अगर आपका WhatsApp बैन हो चुका है तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने WhatsApp अकाउंट को कैसे अनबैन कर सकते हैं। आपका WhatsApp अकाउंट अनबैन होने में पूरे 1 से 2 घंटे लगेंगे और उसके अंदर आपका WhatsApp अकाउंट अनबैन हो जाएगा सक्सेसफुल। तो मेरा नाम आकाश और आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। ठीक है, इस मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि अपने WhatsApp को अनबैन कैसे कर सकते हैं। तो WhatsApp को अनबैन करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना और सर्च वाले पेज पे आपको टाइप करना WhatsApp सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से हम टाइप करते हैं व्हाट्सअप सपोर्ट एंड सर्च कर लेंगे। और सर्च करने के बाद फिर आपको यहाँ से फर्स्ट जो लिंक मिलती है, जो साइड मिलती है, आपको उसमें क्लिक करना है कॉन्टेक्ट व्हाट्सअप पे। ठीक है, अब इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको देखो अगर आपका बिजनेस वाला जो व्हाट्सअप आता है, अगर आपका वो बैन हुआ है या आपका जो नॉर्मल व्हाट्सअप बैन हुआ है, उसको आप जो कि सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है नॉर्मल वाला और दूसरा है बिजनेस वाला। यहाँ से हमारा जो कि फर्स्ट नॉर्मल वाला बैन हुआ है, तो यहाँ से हम वाले को कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। फिर आप इसे नीचे स्वाइप करना और यहाँ पे आपका जो भी व्हाट्सअप बैन हुआ है वो आपके यहाँ पे नंबर टाइप कर लेना है। जिसकी मेरा इंडिया का है तो मैं इंडिया सेलेक्ट रहने दूंगा और नीचे यहाँ पे आपको नंबर टाइप कर लेना है। नंबर टाइप करने के बाद फिर आपको एक ईमेल आईडी नीचे ऑप्शन मिलेगा, तो आपको फिर अपना एक जीमेल आईडी या ईमेल आईडी दे देना, क्योंकि ये आपको कॉन्टेक्ट आपके मेल द्वारा करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने अपना एक जीमेल आईडी दे दिया और उसके बाद कन्फर्म ईमेल एड्रेस में जो हमने ऊपर टाइप किया वो भी हम नीचे ही टाइप करेंगे। देखो गाइस, मैंने कंफर्म कर लिया जीमेल आईडी और उसके बाद फिर नीचे लेंगे और नीचे लेने के बाद फिर यहाँ से आपको बताना है कि आप जो व्हाट्सअप जो आपका बैन हुआ वो आप कौन सा फ़ोन यूज़ करके हुआ है। तो यहाँ से नॉर्मल सी बात है, हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड पे चेक रहने देते हैं और उसके बाद फिर नीचे लेंगे। और नीचे लेने के बाद यहाँ से आपको जो कि एक मैसेज करने का, जो कि आपका किस कारण बैन हुआ है, आपको यहाँ पे सही सही डिटेल डालनी होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अननोन नंबर पे बार बार मैसेजेस करते हैं या कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके नंबर में हम जो कि बार बार मैसेजेस करते हैं और वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है, कि इस तरह व्हाट्सअप वाले जो कि हमारे व्हाट्सअप को बैन कर देते हैं। तो वो कारण जो भी हो आपका बैन होने का, आपको यहाँ पे सही जो कि डाल देना। ओके, अपना सिर्फ कारण डाल देना, यहाँ हेलो टीम वगैरह ये सब आप डालना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये सब नहीं भी डालते, सिर्फ यहाँ पे आपका जो बैन हुआ है व्हाट्सअप किस कारण हुआ वही आप टाइप कर दोगे। और ये टाइप करने के बाद फिर क्या करना है, आपको यहाँ से नीचे सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे ये मैसेज जाने के बाद सबमिट करने के बाद ये आपका 1 से 2 घंटे के अंदर प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे, नहीं तो कॉन्टेक्ट नंबर पे नहीं तो 100% आपके जीमेल आईडी पे आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजीली आप अपने व्हाट्सअप को अनबैन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा तरीका है इसे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सीख लिया कि किस तरह आप अपने व्हाट्सअप को अनबैन कर सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।